हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। सो आप इस क्वेश्चंस को देखो एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि इफ़ अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ रिसर्च ऑन अ फाइंडिंग्स आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of। कह रहा है कि एक रिसर्च है, एक रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च करती है, वो रिसर्च करता है किस पर, तो ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोस्ट, यानी कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसमें, टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, यानी इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरह से इफ़ेक्टिव वे में चलाने के लिए एक फाइंड किया जाता है, एक फाइंडिंग प्राप्त होती है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा बेटर है। तो ये किस तरह का रिसर्च को दिखाता है। ओके, सो पहला ऑप्शन है बेसिक रिसर्च, क्या ये बेसिक रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, या नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर देखो आपकी एक फाइंडिंग रखा जा रहा है, फाइंडिंग किया जा रहा है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ताकि एक इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, सोचोगे, तो आपको पता क्या चलेगा ये किस तरह का रिसर्च, यानी ये अप्लाई किया जा रहा है कि कैसे कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल होगा, किस स्टाइल वे ऑफ स्टाइल में एक इंस्टीट्यूशन को बेटर चलाया जा सकता है, इफेक्टिव वे में रन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिसर्च है ये अप्लाइड रिसर्च है। जब भी कोई भी रिसर्च अप्लाई किया जाता है कहीं पर तो रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED इन कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन में LED क्या होता है। ठीक है, तो जो कोलन क्लासिफिकेशन के बुक में आप अगर रूल्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा LED। तो LED क्या होता है, ये होता है लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड होता है LED। नेक्स्ट है 2011 वाज द सेंटेनरी ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ, कह रहा है कि 2011 जो है वो इसमें से किसका पब्लिकेशन का 100 साल पूरे हो गए। सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, ये ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो 2011 में किसका हो गया, तो सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग 2011 में 100 साल का हो गया, जो कि 1911 में पहली बार पब्लिश हुआ था किसके द्वारा, जे कैजर के द्वारा, जूलियस ऑटो कैजर इसका पूरा नाम है। तो जे कैजर के द्वारा सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग दिया गया 1911 में। देन नेक्स्ट है यूज़र एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी आर सिस्टमेटिकली रिलेटेड एज, यूज़र एजुकेशन और इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये किस यहाँ पर किससे रिलेटेड है, PTNT है, NTBT है, RTRT है, या UF है। तो BT क्या होता है, ब्रॉडर टर्म, NT नैरोअर टर्म, और RT रिलेटेड टर्म, और UF यूज फॉर। ओके, सो यूज़र एजुकेशन और इंफॉर्मेशन लिटरेसी देखना है। तो यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन लिटरेसी और यूज़र एजुकेशन ये किस तरह के टर्म्स हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है एक बड़ा सा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। अब उस ब्रॉडर टर्म में इंफॉर्मेशन लिटरेसी में क्या आता है, उससे जो छोटा है, सबसे छोटा जो टर्म है वो क्या आता है, यूज़र एजुकेशन। इंफॉर्मेशन लिटरेसी है तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, एक बहुत बड़ा बड़ा इसका एरिया है इंफॉर्मेशन लिटरेसी में, चाहे वो क्या हो सकता है, बॉयज़ पर हो सकता है, गर्ल्स पर हो सकता है, चाइल्ड पर हो सकता है, फीमेल मेल, फिर उसमें अलग अलग रिलीजन का हो सकता है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर अंतर्गत आ जाएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक ब्रॉडर टर्म है, और ये जो यूज़र एजुकेशन है ये एक नैरो टर्म है, यानी कहेंगे NT यूज़र एजुकेशन NT है,
और इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक बीटी टर्म है। नेक्स्ट है द काओ काफ प्रिंसिपल एज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर सरंगनाथन इज यूजफुल टू डिटरमाइन। तो काओ काफ प्रिंसिपल जो कि डॉक्टर सरंगनाथन के द्वारा दिया गया था वो है क्या, वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो क्या यह सीक्वेंस ऑफ आइसोलेट्स इन एन एरे है, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेट्स इन अ चेन है, द फेसेट सीक्वेंस है, या नन ऑफ द अबव? तो डॉक्टर सरंगनाथन के द्वारा फेसेट सीक्वेंस दिए गए थे और उस फेसेट सीक्वेंस में ही एक प्रिंसिपल था द काओ काफ प्रिंसिपल। उन्होंने बताया था कि फेसेट को किस तरह से सीक्वेंस बाय सजाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने ये चार उन्होंने फॉर्मूले दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे। ये जो प्रिंसिपल था कौन कौन सा है? तो पहला है वॉल पिक्चर प्रिंसिपल कि जिस प्रकार से एक वॉल पर पिक्चर को टांगा जाता है। फिर एक है होल ऑर्गन प्रिंसिपल, एक था काओ काफ प्रिंसिपल और एक एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ओके, सो ये चार प्रिंसिपल हैं फेसेट सीक्वेंस के, रंगनाथन के दिए हुए फेसेट सीक्वेंस के, किस तरह से फेसेट सीक्वेंस को सजाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये ब्रॉडर टॉपिक है, तो इस टॉपिक के लिए एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें मैं इसे काफ़ी बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से इसे क्लियर करूँगा। ओके, सो अभी आप जानो कि ये क्या है, फेसर सीक्वेंस है जो कि प्रिंसिपल दिया गया रंगनाथन के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकोमोडेटिंग न्यू क्लासेस बिटवीन टू एग्जिस्टिंग कंसेक्यूटिव क्लासेस इज, क्या कि जब दो क्लास है, अब उस दो क्लास दो लगातार क्लास है, यानी वन है ठीक है, टू है, फिर थ्री है, तो अब लगातार इस तरह क्लासेस चल रही, अब उस दोनों क्लासेस के बीच में ठीक है एक बीच में किसी और को पुट किया जाए, कोई नया क्लास को पुट किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे वन है, टू है, थ्री है, तो वन के बाद टू में पुट है, टू के बाद थ्री में पुट है। अब मानना है कि वन और टू के बीच में किसी को पुट करना है, अब यहाँ पर पुट करने के लिए 1.1 या 1. कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर किया जाता है उस तरह से तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है इंटरपोलेशन, एकोमोडेटिंग न्यू क्लासेस बिटवीन टू एग्जिस्टिंग कंसेक्यूटिव क्लासेस इज नोन एज इंटरपोलेशन। नेक्स्ट है द कैटलॉग कोड विच प्रोवाइड्स 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज, मैंने ये बताया भी है पहले भी कि कौन सा इसमें से कैटलॉग कोड है जो 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शंस को बताता है, प्रोवाइड करता है। ये CCC है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, ACR2 है, डिक्शनरी कैटलॉग कोड है, या सभी है। तो ये जो 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, Level 1, Level 2 एंड Level 3, वो है ACR2। ओके, सो ACR2 के आप वीडियो एक बार जाके देख लो, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, काफ़ी डिटेल आपको पता चल जाएगा क्या है ये ACR2 और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, सो जो 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो ACR2 प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है नेटी प्रिंसिपल इज यूज फॉर विच फंडामेंटल कैटेगरीज, कराए नेटी जो प्रिंसिपल है वो किस फंडामेंटल कैटेगरीज के लिए यूज़ किया जाता है? ओके, सो यहाँ पर रंगनाथन का जो फाइव फंडामेंटल कैटेगरीज था, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, तो ये जो नेटी प्रिंसिपल है वो पर्सनालिटी के लिए यूज़ किया जाता है ये प्रिंसिपल। तो ये नेटी प्रिंसिपल है क्या? तो नेटी एक संस्कृत का एक्सप्रेशन है, संस्कृत भाषा का है, वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट दिस, ये नहीं, नॉट दैट, वो नहीं, और नाइदर दिस नॉट दैट, ना ही ये ना ही वो। मीन्स कि जो रंगनाथन का जो फाइव फंडामेंटल कैटेगरी दिया हुआ था तो उसमें जो पर्सनालिटी था वो पर्सनालिटी को बहुत ही मुश्किल होता है फाइंड करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लमेटिक होता है। सो रंगनाथन ने एक मैथड ऑफ रेसिड्यू दिया जिसके मदद से अलग अलग जो
एंटिटीज हैं जो अलग अलग फंडामेंटल कैटेगरीज हैं पर्सनालिटी को छोड़कर, पहले उसे फाइंड आउट कर लिया जाएगा, उसको हटा लिया जाएगा, तब जाके जो लास्ट बचेगा वो पर्सनालिटी बचेगा। ओके, सो एनी एंटिटी विच इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइम, जो कि टाइम नहीं होगा, जो कि स्पेस नहीं होगा, जो कि इनर्जी नहीं होगा, जो कि मैटर नहीं होगा, अगर ये सब नहीं होगा तो इसका मतलब वो पर्सनालिटी होगा। दैट शुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनालिटी। ओके, सो नेटी नेटी मीन्स ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ना ही टाइम, ना ही स्पेस, ना ही एनर्जी, ना ही मैटर, तो क्या? पर्सनालिटी। ओके, सो ये है नेटी नेटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द टर्म कैनन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो टर्म जो कैनन है, कैनन कैनन कैनन, ये कैनन का कैमरा नहीं है, तो ये जो कैनन है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार ये टर्म? तो ये है WCB Sears। WCB Sears ने सबसे पहली बार कैनन्स का, कैनन टर्म का यूज़ किया था। नेक्स्ट है IMCE। IMCE स्टैंड्स फॉर, IMCE क्या होता है? तो IMCE क्या है? इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, IMCE का फुल फॉर्म है। और ये जो IMCE है, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, वॉज स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन IFLA, हेल्ड एट कॉपेनहेगन इन 1969 में IFLA के सहयोग से, IFLA के स्पॉन्सर से एक मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी। दैट मीटिंग इज नोन एज इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट IMCE, हेल्ड एट कॉपेनहेगन इन 1969। ओके, सो नेक्स्ट है इन प्रेसिस FNG इज सेकेंडरी ऑपरेटर रिप्रेजेंट। तो प्रेसिस का क्वेश्चन है, प्रेसिस में मैंने बताया था रोल ऑपरेटर्स होते हैं, तो उस रोल ऑपरेटर्स में ये जो प्राइमरी ऑपरेटर होते हैं और सेकेंडरी ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसमें जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स हैं FNG है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट को, स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन को, एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट को, या कॉर्ड कॉन्सेप्ट को। तो प्रेसिस में जो F और G सेकेंडरी ऑपरेटर है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट को। ओके, सो आप उस प्रेसिस वाली वीडियो को जरूर जाके देखना। नेक्स्ट है इन प्रेसिस प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम अंडर सेकेंडरी ऑपरेटर F रिप्रेजेंट बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट एंड G प्रेजेंट्स स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। ओके, और इस F और G को जब अलग अलग कर दिया जाए तो F को कहा जाता है बॉन्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और जो G है उसे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉलेज लेंस, द मंथली सीरीज ऑन साइंटिफिक एंड स्कॉलरली रिसर्च इज ब्रॉट आउट बाय। एक सीरीज है नॉलेज लेंस नाम की, जो चलाई जाती है किसके द्वारा? एक मंथली सीरीज है नॉलेज लेंस, तो ये जो चलाई जाती है ये है क्लैरिवेट एनालिटिक्स के द्वारा ये चलाई जाती है नॉलेज लेंस, जो कि मंथली सीरीज है साइंटिफिक एंड स्कॉलरली रिसर्च, जो कि चलाई जाती है क्लैरिवेट एनालिटिक्स के द्वारा 2018 से चलाई जा रही है। नेक्स्ट है हु इज द एज द मैडम डॉक्यूमेंटेशन इन द हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीशिप, कहा कि मैडम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन तो सुनते हैं, मैडम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? इनग्रेट डलबर्ग है, मार्गरेट मान है, नटजेडा कुरुपशक्या है, या सुजेन ब्रिट है? तो ये है सुजेन ब्रिट, जिसे मैडम डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। ओके, सो मैडम डॉक्यूमेंटेशन है सुजेन ब्रिट। तो इनका पूरा नाम है रेन मेरी हेलेनी सुजेन ब्रिट, आल्सो नोन एज मैडम डॉक्यूमेंटेशन, वाज अ लाइब्रेरियन, ऑथर, हिस्टोरियन, पोएट एंड विजनरी, बेस्ट नोन फॉर हर ट्रीटिस क्वेसिक्वेला डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने एक बुक लिखा था क्वेसिक्वेला डॉक्यूमेंटेशन, अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द मॉडर्न स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये है, इन्हें कहा जाता है मैडम डॉक्यूमेंटेशन। सो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको कोई प्रॉब्लम हो
क्यों भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो मुझे जरूर जरूर कमेंट करना, इंस्टा पे मैसेज करना। ओके।